हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो आज ये वाली साड़ी मैंने की है वियर, जो अभी आपको दिखाई ब्लॉग में। कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा और ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और सभी को दशहरे की शुभकामनाएं, हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ योर फैमिली। तो आज है दशहरा, तो आपने क्या बनाया दशहरे में? हमारे तो बनते हैं दाल चावल, जो कि हमने बनाए हैं। और आपका पता नहीं क्या बनता, आप कमेंट करके बताना आपका क्या बनता है, आप दशहरा कैसे मनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी, ये मेरा आज का फाइनल लुक, यहाँ पे मम्मी हो चुकी है, यहाँ पे मम्मी हो चुकी है तैयार मेले में जाने के लिए। यहाँ पे मम्मी का बेटा, तो की एक नटखट है ये मम्मी का आज फाइनल का लुक है भाई साहब। काली लिपस्टिक लगा के शम्मी आती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग निशु। गुड मॉर्निंग मम्मी। आज है दशहरा तो बच्चे कर रहे हैं पार्टी। ये देखो पार्टी के लिए क्या लेके आए हैं, क्या लेके आए हो? कचौड़ी। और ये देखो सुबह सुबह का टाइम है, ये देखो आप। और इसको ले गया है भूख, है ना भाई? और ये सुबह सुबह कर रहा है एंजॉय। कैसी लग रही है टेस्ट में? हाँ। और दूसरे वाले को देख रही हूँ, वो क्या कर रहा है? नंगा कहा तू? ऊपर टी वो ऊपर का ही तो नहीं पहन रहा, नीचे की तो वो पहन रहा है। और मम्मी बना रही सुबह सुबह स्वेटर, और मैं और मम्मी करेंगे चाय एंजॉय, है ना मम्मी? पापा की तैयारी बना कर। तो गाइस यहाँ पे करते हैं मम्मी अलमारी का अपनी खाली। यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े निकले हैं मेरे, कितने सारे सूट है। बाई पुट कुर्सी भर गई, तब भी नए नए सूट लाते हैं। बाय बाय सो के, बाय बाय सो की साड़ी, बाय बाय सो की। गाइस ये है हमारी अलमारी मेरी जो निक्की पढ़ाई की। तो इधर मम्मी इस ऊपर वाले खाने में अपने कपड़े जचाएगी। ये देखो मैंने रख दिए अपने सूट। अब मम्मी जा रही है कूड़ा देने, कूड़ा देने और अब भाई ये यहाँ पे फोन देख रहा है, मैं यहाँ पे टीवी देख रहा हूँ। बस ये सिस्टम चल रहा है अपना आजकल। तो अच्छा, तो गाय यहाँ पे मम्मी कूड़ा देके आज दिन जा रही है, शक्ल छुपके से घुमा रहे बेटे, छुपके से एक गई कूड़ा देने। शक्ल देखना, शक्ल 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 कैसे उतर गई। और गाइस जो मम्मी ने ब्लॉग में आपको हमारा राउंड दिखाया, हमारी मेहनत गई वेस्ट, क्योंकि तो हमारे राउंड के टूट गए हैं पैर। अब हम उसे बिना पैर के चलाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि उसके पैर हम लगा दें वापस से। अभी नहाते ही मैं जा रहा हूँ ऊपर छत पे, ओके? तो आप जाओ फिर हम नहा लो, और मैं जब तक ये अपना सामान जचा देती हूँ, फिर मैं जा के चेक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी नहाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। ये देखो गाइस ये क्या बनाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं, इसका देख लो। ये सब कुछ तैस नैस करके इतना खराब गंदा कर देता है जिसकी। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बनाएगा? तो चलते हैं गाइस, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, दिखाती हूँ अभी आपको इनका रावण कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। दिखाओ क्या क्या बवाल मचा रखा है। ये देखो आप, क्या हमारा नाम लड़ने के लिए आ चुका है पूरी छत पे। ये देखो आप, ले 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 ले, कर दिया कर दिया। ये बच्चे का रावण देखो, यहीं पे रखते हैं, यहीं जला लेना, छत नहीं जलाएगा, बम है इसमें, बम है इसमें, कोई बात ना, कुछ ना। अरे मम्मी, इतने बड़े बम गली में जला लेंगे, हां गली के बीच में, आपने हां।
तो दशहरे पे बच्चों ने बनाया है ये रावण। और ये पानी किसने गिराया है इस पे छज्जे पे? कौन से पानी है? गिर गया वहां से। वो पर फंसा है हमारे बेचारे रावण। हां अभी यूं करके इस हाथ को यूं मम्मी 7 बजे जला देंगे। टाइम कितना हो गया अभी पता नहीं। ये देखो भाई इतना बुरा हाल किसी का हो गया होगा क्या ये बताओ। बड़ा बुरा हाल हो गया तो कुछ भी नहीं है। एक काम कर इन ईटन उठा कर रख और मैं यहाँ से झाड़ू निकाल रही हूँ। ईट का क्या करोगे नीचे? हाँ तो एक इकट्ठे करके ऊपर तो रख सकता है इनको। साफ सफाई करवाओ। चलो वो उठा रहे उठा मैं ले अंकित तू मेरा मुंह ना दिखाना। गाइस अभी चल रही है सफाई। ये बच्चों ने मचा रखा था धमाल। ये देखो कितनी गंदी छत रखी थी हमने टिक्किया फोड़ फोड़ गया मचा रखा धमाल। कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है बता। कूड़ा इकट्ठा हमने किया है। बोलो ये दोनों कुर्सी इकट्ठी करते बेटा वो बड़ी और ये बड़ी करी नहीं। ये हमारा नीचे का व्यू। यहाँ डांस चलने लग गया। यहाँ चल ले नीचे पटाखे फोड़ रहे हैं। पटाखे वाले मशीन होती है एक वो वहाँ उड़ रहे हैं बहुत ज्यादा कबूतर। वो कहाँ गए? ओ भाई वो कबूतर का तो देखो कैसे टेनिक रूम में भाई अभी देख लो आप। तो चलो अभी आप हम आपसे मिलते हैं सफाई करने के बाद। ये देखो गाइस खीरे का रायता बढ़ा दिया है। ये शाम का टाइम है और इधर मैंने आटा लगा के रख दिया है। ये देख सकते हैं आप ये थोड़ा सेट हो जाएगा सेट होने के लिए। और इधर मैं सुबह के लिए भिंडी काट के रखूंगी। और ये मैंने सारा बर्तन वर्तन कर दिए हैं सारा काम कर दिया फिनिश। और अभी मैं ये भिंडी काटने जा रही हूँ। भिंडी काटने के बाद फिर शाम के लिए हम बनाएंगे आलू की चटनी। और आप देख तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी थोड़ी देर में बच्चे रावण जलाएंगे और तब आपको मैं दिखाऊंगी कि छोटे बच्चे हैं भाई जैसे मेरे 10-12 साल के बच्चे हैं तो उन्होंने अपने आप बनाया है रावण। अपने आप सामान लेके आए अपने आप बनाया जैसा भी उनसे हुआ वैसे उन्होंने कोशिश तो की है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे पंखा चला लेती हूँ। राम राम जी।
सामने मिले पता मतलब डायरेक्ट सामने एक क्यों स्टील की कढ़ाई ले रहा स्टील का वो ले रहा है पता क्या तुमने क्या बोला देखना ले लो एक दिन मिट मना हो जब आज ले लो फिर मत ऐसी है मून पहला जी है ना जी साथ में चलो उसका ढंग से चलो तो बताओ खाओ अपन ऊपर रोटी देखा था क्या तुम लोग वो खड़े नीचे आप पकड़ लेंगे छह पचास कर देते हैं साथ में चलो मुझे भी पता है ये जगह गांव में मुद्दा आता पड़ा है वो जगह मुद्दा था कितना कितना मोटा है वो कितना मोटा है बिना पेट्रोल के इसके ना जगह वो जल्दी से दो मिनट कर दो तो गाइस चलते हैं नीचे बच्चे जलाएंगे अभी रावण तो दिखाऊंगी मैं आपको गाइज मेरी चटनी हो गई है ये रेडी अभी इसमें छौंक लगाना बाकी है वो मम्मी लगाएगी मम्मी कह रही है मैं अपने आप लगा दूंगी और इधर हस्बैंड की फरमाइश थी कि पोहे बना दो मेरे लिए तो फिर मैंने पोहे बनाए ये देखो इसमें थोड़ा सा मिक्स करना रह गया है और ये बन के रेडी हो गए हैं और नमकीन वगैरह डालते हैं वैसे तो हम लेकिन हस्बैंड ने मना किया है क्योंकि वो अब जाने लगे हैं जिम में तो डाइट पे हैं तो डाइट पर रहने के बाद अब वो नमकीन नहीं डलवाएंगे इसके अंदर बच्चों के लिए थोड़े से दूंगी तो बच्चों के लिए नमकीन डालूंगी इसके अंदर तो ओके गाइस बने रहना ब्लॉग में ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग।